हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ इवनिंग स्नैक, जो है स्वीट पटैटो फ्राइज़, जिसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, बेक करूँगी। ये स्वीट पटैटो है जिसको मैंने ये लेंथ वाइज ऐसे कट कर लिया है। तो ये 3 से 4 मीडियम साइज़ स्वीट पटैटो थे। इंग्रेडिएंट्स में और मैंने लिया है मिक्स्ड हर्ब्स है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट टू टेस्ट है और कोकोनट मिल्क है। कोकोनट मैंने इतना ही लिया है जिसमें मेरे ये स्वीट पटैटो मैरिनेट हो जाएं। इसमें एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट और है, वो है गार्लिक पाउडर। वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, आप चाहे तो नहीं डाल सकते। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। कोकोनट मिल्क में मैं डालूंगी मिक्स्ड हर्ब्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट। इसको हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से और इसी में हम अपने जो है स्वीट पटैटो के जो फ्राइज हैं वो हम 15 टू 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और जब तक इसमें कोकोनट मिल्क ऑब्जर्व नहीं हो जाता और जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो नहीं ऑब्जर्व हो जाते, 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारे अब 20 मिनट्स बाद जो है मैरिनेट हो चुके हैं अच्छे से और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स के जो है कोटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसको बेक करेंगे। मैंने ट्रे में सिलिकॉन पेपर लिया है, उस पर मैं ये डालूंगी। तो इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर 30 to 40 मिनट के लिए। तो ये हमारे 30 मिनट्स बाद जो है फ्रेंच फ्राइज बनके रेडी हैं। ये हमारे स्वीट पटैटो फ्राइज जो विदाउट ऑयल हैं बनके रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।